आपको हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से शुरू करना चाहिए या शनिवार से? तो इसका सवाल का जो ये जवाब है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे कि हम जो चालीसा का पाठ है मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से। मैंने आपको क्योंकि बताया था कि इन 2 दिन से ही शुरू होता है, तो ऐसा क्यों और कब ज्यादा अच्छा रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जय श्री राम, जय बजरंगबली और बहुत धन्यवाद, 30,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने इस चैनल पे पूरे कर दिए और ये हमारी एक फैमिली है। देखो मैंने आपको पहले एक चीज कही थी, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है मैं देख लेती हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होना जिसकी नहीं देख पाती, क्योंकि कुंडली देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी टाइम लगा तुरंत वो हो जाएगी, थोड़ा उसको देखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एक कुंडली देख लूँ तो मुझको 5 मिनट लगेंगे, ऐसा होता है। तो आप खुद देखो कि मैं कितनी सारी कुंडली देख सकती हूँ। मैंने कहा था इससे पहले वाली वीडियो में मैं 10 कमेंट जो करेगा उसकी कुंडली देखूंगी, तो मैं देखूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 2-3 दिन से फीवर सर दर्द ये सब चीज़ें थी, आज थोड़ा सा ठीक है, तो मैं जरूर आपकी कुंडली देखूंगी। मैं अभी उनको कमेंट्स को देखूंगी तो मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी, लेकिन आप मतलब गुस्सा मत होना, मैं 10 का ही कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है देखने में। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि जब हम कुंडली दिखाते हैं कभी खाली हाथ नहीं दिखाते, मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि आप कुंडली दिखा रहे हो, पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आप मुझे देखते हो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो वो भी चलेगा, मेरे को वो भी कोई लालच नहीं है। हाँ लेकिन कहते हैं कि रिटर्न में कुछ देना चाहिए, तो आप लाइक कर दो, लाइक भी मत करो, चलो आप बस कमेंट में जय श्री राम लिख दिया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के लिए भी मैं सेम बोलूंगी, अगर किसी को कुंडली दिखानी है तो शुरू के जो 10 कुंडली वाले कमेंट होंगे उनको मैं बता दूंगी, क्योंकि आप फिर देख लो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करके मुझे कितना टाइम लगेगा। और अगर आप उसी वक्त कुछ रिप्लाई कर देते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि फिर क्या होता है ना, आप बाद में रिप्लाई करो तब तक कुंडली मैंने क्लोज कर दी, तो ये वाली बात है। तो दूसरी बात ये है कि आपको ये जानना था कि कब से शुरू करना चाहिए, तो इसका रिलेशन भी मैं एक चीज़ से बताऊंगी। बहुत सारी कुंडलियाँ हैं या राशियाँ हैं जैसे मीन कुंभ, इनकी चल रही है शनि की 7.5 और ये साल भी शनिदेव का है, शनिदेव कर्म का फल देने वाले देवता है। हम डरते हैं कि उनका प्रकोप वो ही बुरा कर देंगे, वो नहीं बुरा करते, वो आपके कर्मों का फल देते हैं, जो हमने बुरे कर्म किए थे अब उनका फल मिलेगा, चाहे वो बुरे कर्म इस जन्म के हैं पिछले जन्म के। लेकिन जब जो शनिदेव थे वो रावण के बंदी थे और उनको हनुमान जी ने आजाद कराया था, लेकिन जब हनुमान जी वहां पे गए तो उन्होंने बोला शनिदेव ने कि अरे मुझे भी यहाँ से आजाद करा दो, तो हनुमान जी ने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम तो मेरे पे दृष्टि डाल दोगे, तुम तो जिस पे दृष्टि डालते हो वो बर्बाद हो जाता है, तो भाई नहीं भाई मैं तुम्हें तो नहीं छुड़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे छुड़ा देते हो मैं आप पे तो क्या, आपकी जो नाम भी लेता होगा ना, सबकी पूजा करता होगा, मैं कभी उस पर भी दृष्टि नहीं डालूंगा। तब से शनिवार को हनुमान जी की पूजा होने लगी है। तो अब आप अगर आपकी भी शनि कमजोर है आपकी कुंडली में, आपका नहीं चीजें सही चल रही है, या अगर आपकी जॉब के कंट्रोलर ही शनि है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडली में देखा और जिनकी जॉब के कंट्रोलर शनि होता है, जॉब लेट लगती है लेकिन लगती बड़ी खतरनाक है, तगड़ी वाली बिल्कुल, वो किसी के अंडर नहीं काम करेंगे, लोग उनके अंडर काम करेंगे, लेकिन शनि है क्योंकि वहां तो थोड़ा टाइम लेट लगेगा क्योंकि शनि की जो चाल है वो स्लो होती है, तो ये वाली बात है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है शनि से रिलेटेड, आपकी कुंडली के ही कंट्रोलर शनि है, तो फिर आपको शनिवार से शुरू करना चाहिए। और उसके अलावा अगर मंगलवार से, वैसे इस साल अगर आप शनिवार से ज्यादा शुरू करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये साल शनिदेव पर। दूसरा आप मंगलवार से कर सकते हो, फल वैसे तो बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी कंट्रोलिंग में कंट्रोल शनि कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, शनि ही कमजोर चल रहे हैं, तो शनिवार से शुरू करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप कभी से भी कर सकते हो मंगलवार से शनिवार से। जिनकी कुंडली मैंने देखी थी मैंने उनको बताया है कि किस चीज के कंट्रोलर क्या है ऐसे करके। तो आप ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यही दूंगी कि आपकी मर्जी है, आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार से शुरू करो, और अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या फिर शनि पावरफुल है तो भी शनिवार से करो। पूजा तो हनुमान जी की ही कर रहे हो, किसी भी दिन करो, तो ये वाली चीज है। और एक मैं आपको बात जरूर कहूंगी कि हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने, मंगलवार शनिवार को अगर आप संकल्प नहीं भी कर रहे हो तो बता रही हूँ, हनुमान जी के सामने एक दिया जलाओ और उनके सामने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपकी लाइफ में चीजें मंगल ही मंगल होंगी। कुछ लोग कहते हैं हम पाठ करते हैं मैं फल नहीं मिलता, शायद आपको संकल्प या आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हुई, आप उस चीज को करते रहो वो सिद्ध हो जाएगी, फिर आप जो बोलोगे वो चीजें होने लगेगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था दीदी आप बोलते हो ऐसा हुआ ऐसा किया, हो सकता है कि मैं काफी टाइम से पढ़ रही हूँ, तो जब आप पढ़ते रहते हो तो उस चीज में प्रभाव आना शुरू हो जाता है, तो आपके साथ भी होगा।
तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम, जय बजरंग।